हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं और रुधीर, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं टीआरटी से जो वीडियो थी, ठीक है, कैब ड्राइवर, उसकी कॉमेडी सीन्स का पार्ट 3। दो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। जा भाई, जा बाहर देख, का कोई है तो नहीं? ये बहुत बड़ा मेरी बात ध्यान से कमीना है। अभी यार मैं सोने के मूड में हूँ, अभी मेरा बात करने का मन नहीं है। तू शाम को आ, फिर करते हैं बात। तेरी तो बताओ जी भाईजान, क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम्हें नाजायज फंसाया गया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हमारी मदद करेगा? पहले अपनी तो मदद कर ले। तू तो खुद चमचा सरदार वो है मोटा वाला, तू साले चमचा चमचा ही बनकर रह ले। कभी मदद करेंगे भाड़ो। अबे पूछ तो ले, क्या पता मदद करी दे। वैसे तू हमारी मदद क्यों करना चाहता? मैं गुंडा नहीं था, मैं मजबूरी में गुंडा बना हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था, मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराना चाहता हूँ। चाहे इस नेक काम में मेरी जान क्यों चली जावे, तुम्हें यहाँ से आजाद करवा के ही रहूंगा। हाँ, गुंडों में होती है इतनी दया भावना। देख रिया यार, कितने बड़े आदमी है, और मैंने काली किनार भी कह दिया इन्हें, और ये हमारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है यार। कितने मादर चोद है यार, अब मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। यार कितने बड़े आदमी हो तुम भाई साहब। यार मुझे अफसोस है यार, मैंने तुम्हें काली किनार कहा, कसम से माफी चाहूंगा यार भाई साहब। बार बार बोले यार, पर तुम हमें यहाँ से निकालोगे कैसे? मैंने पीछे गेट खोल दिया है, मैं साइड में आकर बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। मेरी पूरी गैंग बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ को भागेगी, आप पीछे गेट से निकल जाना। ठीक है भाई साहब, ठीक है। आज तुम्हें देख के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। बहुत बड़े आदमी हो। हाँ चल ठीक है, ज्यादा उदास मत हो, बॉम्ब फटने की आवाज आई, यहाँ से निकल जाना। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक फरिश्ता भेजा हमारी जान बचाने के लिए। ये सीन भी बहुत जबरदस्त था। चल, आज कपड़े तू धोगा। अबे चल बे, ये मेरे काम ना कपड़े सपड़ो के, अपने आप धो कपड़े। तेरे काम ना है? हाँ तेरी अम्मा धोती होंगी ना कपड़े, जब बुला के ला वो धोंगी कपड़े। अबे ओ होश में बात कर ले, जा कपड़े धो ले कपड़े। ऐसा है ओदे में तुझसे मैं बड़ा हूँ, मैं दूंगा तुझे ऑर्डर, धो चल चुपचाप कपड़े। अबे ओ ओदे में तू बड़ा होगा, लंबाई में तुझसे मैं बड़ा हूँ। साले मुजोरी कर रहा, तेरे चूतर फाड़ के खरबूजे की खाप बना दूंगा। साले मैं भी तेरे चूतर फाड़ के तरबूज की खाप बना दूंगा। चुप हो सालो, क्या लगा रखा, खरबूजे की खाप बना दूंगा, तरबूज की खाप बना दूंगा। सालो तुम्हारे चूतर है फल फ्रूट की दुकान, लाओ मैं दूंगा कपड़े। लगा दिया ना सरदार को काम पे। बताओ बहन के लोड़ों को, अब भी शर्म ना रही, सरदार कपड़े धोरियो। हेलो, ओके आई एम कमिंग योर प्लेस, आई एम कमिंग योर प्लेस। बस सही, मैंने कहा था ना भाई ये भागने की पूरी कोशिश करेंगे। अबे कितना सुअर है बहन के भोसड़े, ये मजाक मत करे, कसम से इसने हमें प्लान बताया पूरा, दरवाजा खुला मिलेगा और ऐसे भाग जियो और पैसे भाग जियो, ये नाटक मत करे साली काली किनारी है तू। देख लो भाई कैसे भड़का रही है मेरे खिलाफ ये साले, मुझे मेरी गैंग के खिलाफ भड़काता है और मेरी कैद से भागने की कोशिश कर रहा है। ये पुलिस वाली चाल मेरे साथ मत चल।
देगा। यार सरदार यकीन कर लो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ये दोनों टूरिस्ट है मेरी टैक्सी में। यार पुलिस वाले ना है हम। आज बहन चो डालो सालों को कैद में। यार समझ के ना दे रहे यार। भाई मैं तेज हो गया हूँ, मेरी सैलरी बढ़ा देना। इसलिए ये नौटंकी की गई थी। बेचारों को पिटवा दिया। और सज्जाद एक्सपोर्टर के लड़के को उठा के लेकर उससे पैसे लेने हैं। सज्जाद एक्सपोर्टर? अब वो तो राजू बदमाश के एरिया में आता है जिससे हम पिट के आए थे। देखा ना कितना बुरा मारा। अगर उसे पता चल गया मैं उसके एरिया में हूँ तो वो तो बीच चौराहे में नंगा करके मारेगा मुझे। अरे इसी डर के चक्कर में तो मैं ना जा रहा। तू टेंशन मत ले, तू हिम्मत रख, तू जा, कुछ ना होगा आपके। मैं ना जाने वाला, चाहे नौकरी से निकाल दो अभी। साले डरपोक। अच्छा सुन, मैं इसे पोलार्ड को बुलाता हूँ, इससे बोलूंगा सज्जाद के लौंडे को उठाना, ये काम कर भी लेगा या नहीं। तू एकदम कहना नहीं भाई इसे मत भेजो, इसके बस की नहीं है। फिर वो तैस मां के कहेगा कि भाई मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है, वो चला जाएगा और हम दोनों बच भी जाएंगे। बेटा हाँ 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 ये सही है। पोलार्ड यहाँ गुआ। सज्जाद के लौंडे को उठा के लाना, ये काम कर लेगा। अरे भाई इसे कहाँ भेज रहे हो, इसके बस की है, ये बच्चा है भाई, अभी हम करेंगे ये काम। हाँ भाई सही कह रही है, मैं बच्चा ही हूँ, मेरे बस की ना है ये काम, इसे ही भेजो। बहुत सही ना, निकल गई हवा। हाँ भाई तू ज्यादा जिद कर रहा, तू ही जा। ए भाई ये तो अपनी प्लानिंग थी यार। अरे ना तू ही जा। मैं ना जाऊंगा, मैं पहले कह रही हूँ। और तू साले झांटू, तुझमें हिम्मत ना, काय का गुंडा है तू। अबे तो तुझमें भी तो हिम्मत ना है, तू भी तो ना गया, तू चला जा। बे चुप हो सालो, उन तीन कैदियों को लेकर आओ, उन्हें भेजेंगे। बहुत सही। सुनो बे, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें मेरे भांजे को लेके आना है। मैं अपने भांजे के घर जा नहीं सकता क्योंकि मेरी बहन से मेरी बनती नहीं है, और मुझे बहुत दिल कर रहा है अपने भांजे को प्यार करने का, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जाओ और उसे लेके आओ। वही वही, ये तो बहुत बढ़िया मौका मिल गया भागने का। ठीक है हम आपके भांजे को ले आएंगे। क्या नाम है आपके उनका, बहनोई का, भांजे के अब्बा का? सज्जाद एक्सपोर्टर नाम है। ठीक है अभी लाता हूँ, दो मिनट के अंदर अंदर। वे ओ साले, अपना आपको ज्यादा चलाक समझ रही है, भागने की पूरी प्लानिंग बना ली। जितने चलाक तुम हो उससे ज्यादा चलाक मैं हूँ। ये पकड़ मेरी कार लेके जा, अब तुम भाग ही नहीं सकते। अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे नाम की रिपोर्ट कर दूंगा कार चोरी की। बहुत सही, गुंडे होकर ये रिपोर्ट करेंगे। मैंने पूरा प्लान बना लिया था भागने का यार, लेकिन साले ने चलाकी खेल दी, चाबी दे दी, चोरी का इल्जाम लगा दे अगर भागे तो। एक काम करते हैं, इनकी चाबी यहीं फेंको और भाग लगा दो सीधी। अरे भाई ये तो चाबी फेंक के भाग गए बाहर सालों को। ओके सो ये वीडियो भी इन्होंने टू भी कंटिन्यू छोड़ दी है, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कहानी में आगे क्या होता है ना। एंड मतलब अंदर से यार एक इंट्यूशन आ रहा है कि एक लग रहा है कि हाँ इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जल्दी आएगा, है ना। और आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, पूरी कहानी देखने को मिल जाएगी कि आगे पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं, गुंडों का क्या होता है, टूरिस्टों का क्या होता है, अपने घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो बहुत सारे सवाल ना दिमाग में ऐसे कुलबुलाते रहते हैं। वीडियो देखो, सरदार को फंसा दिया, सरदार को मतलब ऐसा चढ़ा दिया, दोनों लड़ रहे थे इस टाइप से कि हाँ सरदार जाके खुद कपड़े धो रहा है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा पंचायत हो रही थी ना, बातें बहुत छानी जा रही थी, ले सूद दिए गए। और भाई वो कितने गैंग मेंबर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इतना लंबा दांव खेल गया कि हाँ इनको भगाता हूँ, फिर इनको पकड़वा भी दूंगा और उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। और सरदार के नज़र में इज्जत भी बढ़ जाएगी। मैंने कहा क्या था कि गुंडों के दिलों में कौन सा, गुंडों के मन में कोई मतलब ऐसा सहानुभूति या दया भावना होती ही नहीं है। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।